नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज 9 फरवरी को जो आरपीएफ के तीनों शिफ्टों के पेपर हो चुके हैं, और उनसे कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं और जो उस पेपरों में पूछे गए हैं और कैंडिडेट द्वारा बताए गए क्वेश्चन हैं, और आपको उन क्वेश्चनों के माध्यम से आपको एक पेपर का लेवल पता चल जाएगा और किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। लगभग कई परसेंट रिपीट भी हो रहे हैं और वो भी मैं आपको बताऊँगा। और इससे आपको क्या है कि आपको पेपर का जो लेवल आ रहा है वो बिल्कुल एकदम पैटर्न, इतने दिन हो गए पेपर चलते हुए, पैटर्न बिल्कुल सेम आ रहा है, तो आपकी तैयारी में काफ़ी इससे सहायता मिलेगी। और दोस्तों, आपने स्टडी टाइम्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह हर पेपर का एनालाइज मिलता रहे। और दोस्तों, आपके अभी जब पेपर हो जाए तो मुझे क्वेश्चन ज़रूर सेंड करना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप दे सकते हैं कि प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर फुटबॉल से है। और दोस्तों, जिन्होंने पेपर दे दिया है आज, उनको भी मतलब उन प्रश्नों का आंसर पता चल जाएगा, तो उनके लिए भी फायदेमंद है, और वो भी आंसर देख लें जिन्होंने पेपर दिया है। और अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो 6 वर्ष का राज्यसभा का कार्यकाल होता है। और आगे चलते हैं, मतलब राजनीति से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। लगभग मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि राजनीति से क्वेश्चन आ रहे हैं। राजनीति थोड़ी मतलब संविधान में अनुच्छेदों से संबंधित या कार्यकाल से संबंधित कई क्वेश्चन आ चुके हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था कौन था। तो मेगा सतनिज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। अगला प्रश्न है, सारनाथ में किस ने अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। आपको पता ही होगा, महात्मा बुद्ध ने। और भारत में गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो इसमें शायद उत्तर प्रदेश होगा इसका आंसर, गेहूं का सबसे बड़ा राज्य, और लगभग उत्तर प्रदेश होना चाहिए इसका। आप प्रश्न देख लीजिए। और अगला प्रश्न है, राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसने की थी। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण नीति की शुरुआत की थी, वायसराय। और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान लोथल किस राज्य में स्थित है। और लोथल स्थान मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन तो आपको बता दिया पेपरों में आ रहे। इससे अलावा जो 1857 की क्रांति या मतलब आधुनिक हिस्ट्री से काफ़ी सारे क्वेश्चन हर पेपर में आ रहे हैं, और वो भी आपको बता दूं कि वॉइस रहे हैं भारत के जितने, उनसे संबंधित हर पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें आप ज़्यादा फोकस करें, वॉइस रहो इससे संबंधित ज़्यादा पढ़ें। अगला क्वेश्चन है, मुगलों की राजभाषा थी, और मुगलों की राजभाषा फारसी थी। और अगला प्रश्न है, संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत प्रशासन अपने हाथ में ले सकता है, यानी आपको बता दिया राजनीति से और इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन काफ़ी सारे आ रहे हैं। संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा बात ये आ गया। अगला क्वेश्चन है, जो सुंग वंश की स्थापना किसने की। तो इसका राइट आंसर होगा, पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की। और प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम विजय कब प्राप्त की गई। 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर फतह की गई थी। और अगला प्रश्न है, सांड की लंबाई किस देश का राष्ट्रीय सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो यह है स्पेन का, और ये आपको पहले भी बताया कि राष्ट्रीय खेल प्रतीक चिन्हों से संबंधित, प्रतीक चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस करें। आप इसके टॉपिक देखते जाएँ कि किस प्रकार के टॉपिक आ रहे हैं, मैं साथ साथ आपको बता भी रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, जो रीजनिंग मेथ का है, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, 16 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है मेथ का, तो इसको भी आप हल करें। वीडियो को रोककर यहीं आप पॉज करके इसे हल करें और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं अब जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, अगर हल कराने लग गया तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि दो आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तो एक दूसरे की आवाज़, इस तरह से क्वेश्चन आया था, अभ्यर्थी ने बताया था कि मतलब आवाज़ आगे जो ऑप्शन दिए थे, सुन सकते हैं नहीं सुन सकते हैं, तो इसमें राइट आंसर जो था वो था नहीं सुन सकते हैं चंद्रमा पर। और प्रश्न था, मोनोकल्चर किसका विशेष लक्षण है। तो स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का लक्षण है मोनोकल्चर, कृषि से संबंधित क्वेश्चन भी, कृषि से संबंधित और जो भारत में फर्स्ट है उससे संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, और जिसे हम जीएस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने 60 दिन में एक बांध बनाने का ठेका लिया और उसने 40 मजदूरों से काम शुरू किया, परंतु 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर और लगाकर बांध समय पर पूरा किया। यदि वह 50 मजदूर और न लगाता तो काम पूरा
होने में कितने दिन अधिक लगते हैं, यानी आप दे सकते हैं आज के जो ये प्रश्न पूछा गया है ये सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है। दोस्तों बता दूं सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है, और पहले वाला जो तो टाइम एंड वर्क का था वो फर्स्ट शिफ्ट का था। तो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन हर पेपर में आ रहे हैं, तो ये आप पूरा फोकस कीजिए टाइम एंड वर्क पर। और प्रश्न है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? नेपाल में स्थित है। और नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है? बेसिन। और ये देखिए आप यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये हिमालय की पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, ये नेपाल में है। और ये माउंट एवरेस्ट का प्रश्न है, और माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले फतह कब की गई, वो भी इससे संबंधित क्वेश्चन है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं जरूर, हर पेपर में बिल्कुल लेवल सेम आ रहा है दोस्तों। प्रश्न अलग अलग हो सकते हैं, कई प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं, और इतने पेपर, इतने बहुत सारे पेपर हैं, इतने पेपर बनाते हैं तो मतलब वो पैटर्न रखते हैं, एक ही प्रकार का पैटर्न होता है सभी पेपर का, और उसमें कई प्रश्न रिपीट भी हो जाता है क्योंकि अलग अलग व्यक्ति उसे उन पेपरों को बनाते हैं। और लेकिन वो लेवल पहले डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, निषाद बाग किसने बनवाया? जहांगीर द्वारा बनाया गया। और पीछे आपको बताया था जो दिल्ली का लाल किला है वो किसने बनाया, इस ऐसा प्रश्न आया था कल वाले पेपर में, आपको बताया। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा मतलब आप यहाँ से समझ सकते हैं नाथुला दर्रा, और ये जियोग्राफी के प्रश्न है। और प्रश्न अगला प्रश्न है, किस देश में औद्योगिक क्रांति पहले शुरू हुई थी? तो ये इसका उत्तर है इंग्लैंड में। और प्रश्न है, संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और मुद्रास्फीति सबसे अधिक किसके लिए लाभदायक होती है, किस देश के लिए नहीं सॉरी किसके लिए लाभदायक होती है? तो देनदार के लिए होती है। ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, इकोनॉमिक के प्रश्न भी एक आधे पूछे जा रहे हैं। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। आपको दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ कि जो भी कप है हॉकी से संबंधित है या क्रिकेट से संबंधित है, खेल से संबंधित है, वो आप रट लीजिए, रट्टा मार लीजिए उन कपों का। लगभग पेपरों में पूछे जा रहे हैं कौन सा कप किस खेल से संबंधित है। और ये आगा खां कप तो ये तो न जाने कितनी बार रिपीट हो चुका है, बहुत सारे लगभग सभी पेपरों में बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है ये प्रश्न। और कपों से संबंधित अब आरपीएफ में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप रट लीजिए जो भी कप है। और अगर आपको आपको जरूरत हो तो मैं आगे जो कप है जितने भी हॉकी से संबंधित क्रिकेट से संबंधित उनका अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको इसे तैयारी करने में आसानी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आगे वाले प्रश्न देखते हैं। तो अगला ये प्रश्न है कि संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष किसे चुना था? और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। और अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध सत्याग्रह किस देश में शुरू किया? तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी गए थे, वहाँ पर किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं ये आधुनिक हिस्ट्री का प्रश्न है, आपको बता दिया इंडियन जो इंडियन आधुनिक हिस्ट्री है उससे संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। और भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? ये कर्नाटक है। और भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? जादूगुड़ा में यूरेनियम खदान है, इसका उत्तर है। और आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों ये इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको जितने क्वेश्चन हैं मेरे पास आए तीनों शिफ्ट के वो मैंने आपको बता दिए। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो राज्य अपहरण नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई, और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ये आपको बता दिया। तो इस प्रकार से मतलब आपको वॉइस रहे तो आपको रटना है। इसके अलावा जो कप है हॉकी मतलब हॉकी कप है या क्रिकेट कप है वो उनसे संबंधित भी क्वेश्चन आ रहे हैं इन पेपरों में। और ये आपको इस तरह से लेवल का पता चल गया होगा। और मैथ रीजनिंग में आपको टाइम एंड मैथ रीजनिंग क्योंकि क्वेश्चन थोड़े कम याद रहते हैं अभ्यर्थियों के, तो वो पूरे नहीं बता सकते। लगभग टाइम एंड वर्क आपको बता दिया, एक दो क्वेश्चन जितने याद रहे अभ्यर्थियों के। तो आप भी अगर आपका पेपर हो जाए तो आप भी मुझे सेंड करना, आप भी बताना प्रश्न कौन से आ रहे हैं। और इस प्रकार मैंने आपको ये लेवल बता दिया, आपको अच्छा लगा होगा, और आपकी तैयारी में आशा करता हूँ कि ये कारगर सिद्ध होगा। और दोस्तों आपने स्टडी टाइम्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह पेपर का एनालाइज भी मिलता रहे। धन्यवाद।